नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। आज का पंचांग 27 दिसंबर 2022 का पंचांग क्या कहलाता है, और ये उसी पंचांग के ऊपर एक सूक्ष्म चर्चा आप लोगों के साथ साझा करते हैं, एवं इसी के भीतर छुपे हुए ज्योतिषीय रहस्य भी आपको प्राप्त होंगे। 27 दिसंबर 2022 मंगलवार का दिन क्या कहता है ये पंचांग, पौष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी का पंचांग है ये। पंचमी तिथि के अधिदेव पंचांग में मुहूर्त शास्त्र के अंदर सर्प कहे गए हैं, और ये जन्म कुंडली के पांचवें स्थान पे वास भी करते हैं। इसी कारण ये देखना चाहिए कि कल ऐसे सरीसृप या ऐसे रेप्टाइल्स समाज में, इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर हर जीव के रहना एक कारण से आवश्यक भी है और कहीं कहीं अनावश्यक भी है। यहाँ विशेषतः कहा गया है कि यदि व्यक्ति का जन्म पंचमी के दिवस पे हो तो व्यक्ति को पंचमी के दिवस पे उत्पन्न व्यक्ति को पंचमी के ही दिन किसी प्रकार की सरीसृप, जीव हत्या या जीव को परेशान नहीं करना चाहिए। किंतु कभी कभी ऐसा भी आवश्यक है कि घर के अंदर यदि कोई रेप्टाइल्स आ जाए तो उसे भगाना तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि उसको घर से निकाल सकते हैं, उसको बाहर कर सकते हैं, किंतु उससे से आपको दोष ना लगे किसी प्रकार का। तो कल का दिन पंचमी का रहेगा। नक्षत्र इस दिन उदित रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र का जो स्वरूप है वो मृदंग, ढोलक का कहा गया है, अर्थात कल के दिन में किए गए कार्य बहुत प्रचारित प्रसारित रहेंगे, और इनका एक प्रकार से बहुत ही नाम भी होगा या प्रचार और प्रसार भी होगा। धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं वसु। वसु अर्थात देवताओं के साथ रहने वाले, अष्टवसु भी कहे गए कहीं पे, कहीं जो है इसको दस वसु भी कहा गया, अर्थात जो धन से भरीपूर्ण है। पहली बात, धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर धन जुड़ा हुआ है। दूसरा, ये मृदंग है, और तीसरा, इसके जो स्वामी हैं वो वसु हैं। तो अर्थात कल का दिन धनिष्ठा नक्षत्र उदित होने के कारण से धन से भरीपूर्ण या धनिष्ठा या ऐसे कार्यों के ऊपर व्यक्ति का प्रचार प्रसार होगा जो अपने आप में बहुत ही विस्तृत हो, व्यापक हो। इसके उपरांत योग क्या रहेगा। योग का अर्थ होता है ज्योतिष शास्त्र में किसी भी दो व्यक्तियों का, दो घटनाओं का, दो पक्षों का मिलन होना, वो एक प्रकार से योग में फलीभूत होता है। कल वज्र योग है। वज्र योग का क्या अर्थ है कि कल, क्षमा कीजिएगा, 27 दिसंबर के दिन जो वार रहेगा, पंचांग रहेगा, उसमें वज्र नामक योग, इस प्रकार से इसके परिणाम आ सकते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर भारी पड़ने का अपने आप में प्रभाव रखेगा। एक व्यक्ति का प्रभाव दूसरे के ऊपर भारी पड़ सकता है। और करण रहेंगे कल दो, एक करण है बव और दूसरा करण है बालव। पहला करण जो बव है वह 12:10 तक उपस्थित रहेगा, अर्थात ये प्रातःकाल में ही रहेगा, और तदुपरांत जो बालव नामक करण है वो दूसरे खंड में उपस्थित रहेगा। पहला करण कार्यशैली के बारे में, ऐसी कार्यशैली जो नवीन घटनाओं के साथ जुड़े हुए उनके बारे में बताता है। दूसरा करण बालव, कहीं ना कहीं नए कार्य एवं बच्चों से संबंधित कार्यों के बारे में बताता है। चंद्रमा पूरे दिवस पे कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि भी अपने आप में बहुत ही अध्यात्म से भरी हुई एवं दार्शनिक विचारों से भरी हुई राशि है। तो कल दर्शन शास्त्र के भी दर्शन होने का अवसर प्रदान हो सकता है, एवं रात्रि काल में बुध का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध इस समय राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि, धनु के बुध और मकर के बुध में क्या अंतर है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, मकर कार्य करने की राशि और बुध का राशि परिवर्तन जब भी होगा तो एक ऋतु बदलती हैं, और दूसरा व्यक्ति की कार्यशैली में परिवर्तन आता है। इस समय व्यक्ति अधिक आलस्य विचार कर सकता है, तो उससे बचना चाहिए।
क्योंकि मकर राशि अपने आप में विश्राम की, ठहराव की प्रतीक है। यद्यपि ये काल पुरुष की 10वीं राशि है, लेकिन ये विश्राम का भी कहीं ना कहीं प्रतीक बताती है। तो इसलिए अपनी कार्यशैली में इस प्रकार के कार्य करें जिससे कि और ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। हमने यहाँ पे कहा कि बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। जब भी बुध का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन या उसकी गति परिवर्तन होती है तो ऋतुओं में जो वातावरण है उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिला है। जैसे ही आप ये देखिए बुध का राशि परिवर्तन के समीप वे पहुँच रहे हैं, अचानक से उत्तर भारत के अंदर शीतलहर अत्यधिक बढ़ गई है। उसका कारण क्या है? जहाँ पे समय कालखंड के बारे में देखते हैं या समय की इकाई को देखते हैं, कौन सा ग्रह किस समय इकाई के ऊपर कार्य कर रहा है, उस समय बुध ऋतुओं के स्वामी बनते हैं। इसी कारण से बुध का राशि परिवर्तन किसी ऋतु परिवर्तन, यदि वर्तमान में शीत ऋतु कम है तो अधिक हो जाएगी, और यदि और अधिक है तो हो सकता है थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, लेकिन कम तो होगी नहीं, यह राशि परिवर्तन का संकेत देती है। इस प्रकार से हमने छोटी चर्चा ज्योतिष में 27 दिसंबर 2022 का पंचांग आप लोगों के साथ साझा किया। नई चर्चाओं में जुड़े रहने के लिए एवं बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसी में छुपे हुए ज्योतिषीय रहस्य आप लोगों के साथ आपके ज्योतिष जिज्ञासाओं के अंदर बहुत लाभ भी देंगे और आपके ज्योतिष के ज्ञान में मेरे द्वारा थोड़ा किंचित वृद्धि भी कर सकते हैं। त्रुटियों के लिए क्षमा। आपका दिन शुभ हो। आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।